हाय फ्रेंड, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक एचपी का मदरबोर्ड है। मॉडल नंबर की बात करें तो G6 है, R33H इसका मॉडल नंबर है। इस लैपटॉप में जो प्रॉब्लम आ रही है वो डेट का कंडीशन है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ यह डेट के कंडीशन में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारा 19 वोल्ट का जो है मॉस्फेट है, सॉरी इन चैनल का मॉस्फेट है। और ये ड्रेन है, गेट है एंड सोर्स है। सोर्स को जब मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड हो जा रहा है और गेट है, ये गेट जो है ठीक है, बट हमारा सोर्स जो है ग्राउंड हो जा रहा है। इन चैनल का मॉस्फेट होता है फ्रेंड। और यहाँ पे हमें ग्राउंड मिला तो ये हमारा 3-5 का सेक्शन है। आप देखेंगे हर जगह जो है ग्राउंड आ रहा है। फिर आप यहाँ पे चेक करेंगे दोनों साइड से, एक मिनट में मल्टीमीटर को सीधा कर दो। और आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो 19 वोल्ट जहाँ भी जा रहा होगा वो सारे के सारे हमारे सेक्शन जो है शॉर्टिंग शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मॉस्फेट भी लगे हुए हैं, मॉस्फेट को चेक कर लेते हैं। ये लोअर मॉस्फेट है हमारा। तो फ्रेंड इस बोर्ड में शॉर्टिंग का इशू आ रहा है, तो चलिए प्रॉपर चेक करके हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ ख़राब है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं इस मॉस्फेट को पहले। ये 3-5 का हमारा कॉइल है, ये हमारा कॉइल ओके है, बट हमारी शॉर्टिंग जो है इनपुट में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ, आप इस कैपेसिटर को देखिए, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये शॉर्ट लग रहा है। इम्पीडेंस देखेंगे, ये भी फुल शॉर्ट है, ये भी फुल शॉर्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसे डीसी पावर सप्लाई से भी रिमूव कर सकते हैं, बट बारी बारी से मुझे लग रहा है ये कैपेसिटर शॉर्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये मेरे को लग रहा है ये शॉर्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इस कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं। हटा दिया, हटाने के बाद एक बार हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे। ये हमारा सोर्स ग्राउंड हो रहा था और आप देख सकते हैं फिर आई थिंक शॉर्टिंग बोर्ड से रिमूव हो गया। यहाँ पे भी बीप मिल रहा था, फुल शॉर्ट मिल रहा था हमें, यहाँ से अभी शॉर्टिंग हट गई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं
यहाँ से भी शॉर्टिंग हट गई, दैट मीन्स हमारा बोर्ड ओके हो गया। चलिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। अब देख सकते हैं कि कैपेसिटर ही शॉर्ट था। कैपेसिटर के शॉर्ट होने से पूरा 19 वोल्ट हमारा शॉर्ट हो रहा था। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई को लगाते हैं। डीसी पावर सप्लाई को लगाने के बाद आपको चेक कराता हूँ। कई बार आपका मॉस्फेट भी शॉर्ट होता है, पीडब्ल्यूएम शॉर्ट होता है, कई बार आपको जो है कैपेसिटर का भी वोल्ट मिल जाता है। चलिए देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं एम्पियर 0.28, दैट मीन्स हमारा स्टैंड बाई ओके हैं। और अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार ऑन करके देखते हैं। इधर हमारा ऑन ऑफ स्विच है, इसको ऑन करके देख लेते हैं। इसको ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड हमारा ऑन हो गया, एम्पियर भी अच्छा खासा ले रहा है। तो आई थिंक हमारा लैपटॉप अब रैम मांग रहा है। चलिए रैम को इंसर्ट करते हैं, रैम को लगा देते हैं एक बार पर। लगा देते हैं, फिर कीबोर्ड को कनेक्ट कर देते हैं। चलिए फ्रेंड, मैंने कीबोर्ड को भी लगा दिया और मैं एक बार फिर से इसको ट्रिगर करूंगा। ऑन हो जाओ भाई, सॉरी। ऑन हो गया मेरा, और आप देख सकते हैं फ्रेंड डिस्प्ले भी हमारा आ चुका है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये कैपेसिटर ख़राब था इस मदरबोर्ड में, और इस कैपेसिटर के ख़राब होने की वजह से हमारा क्या हो रहा था, पूरा 19 वोल्ट शॉर्ट हो रहा था और लैपटॉप डेड हो गया था। तो फाइनली हमें रिज़ल्ट मिल गया। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।